नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं विजय खौसे। उत्तर प्रदेश के साथ चार राज्यों के चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दल अपने अपने दाव फेंकने लगे हैं। यूपी में भाजपा की सांख और क्षेत्रीय दलों का भविष्य दाव पर लगा है। भाजपा ने 2014 से 2019 के आम चुनाव तक मतों के चरम को छुआ था, लेकिन किसान आंदोलन, महंगाई, दलित उत्पीड़न की घटनाओं से योगी सरकार की छवि खराब हुई है। रिकॉर्ड को कायम रखने की चुनौती भाजपा के सामने है। यूपी में जातीय धार्मिक समीकरण ही तय करते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी, लेकिन इस बार माहौल अलग है। बताएंगे तीन साइलेंट फैक्टर जो चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। पहला है ब्राह्मण। चुनाव में सबसे बड़े किंग मेकर ब्राह्मण रहेंगे। यूपी के सूबे में 12% ब्राह्मण आबादी है। 56 विधायक उत्तर प्रदेश में हैं, जो 19% सवर्ण है। विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व 44% है। सूबे में 56 ब्राह्मण विधायक है, इनमें से 46 भाजपा से है। 2007 में बसपा ने भी ब्राह्मणों और दलितों की सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सत्ता हासिल की थी। इस बार मायावती भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरा है महिला और युवा। 45% युवा वोटर है, पुरुषों से ज्यादा सक्रिय महिला है। राज्य में 18 से 19 आयु वर्ग के 20 लाख मतदाता है, जिसमें 10,62,000 पुरुष और 9,27,000 महिलाएं हैं। कुल 15,02,00,000 वोटर में 45% 18 से 40 साल के हैं। इसके अलावा दूसरा फैक्टर महिला वोटर्स का है। 2012 और 2017 के चुनाव में महिला वोटर्स ने पुरुषों से ज़्यादा वोट डाले थे। कांग्रेस ने 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का बड़ा सियासी दांव खेला है। भाजपा ने उज्ज्वला गैस, शौचालय निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन के जरिए इन्हें साधने की कोशिश की है। यूपी की सभी पार्टियों ने इनके लिए बड़ी घोषणा की है। तीसरा फैक्टर है मुस्लिम। यहाँ 143 सीटों से 20% से अधिक आबादी मुस्लिम की है। 111 बीजेपी के पास है। उत्तर प्रदेश में 143 सीटें से ऐसी है जहाँ मुस्लिम आबादी 20% तक है। 2012 में इनमें से 60% सीटें जीतकर सपा ने सरकार बनाई थी। 2017 में एनडीए ने इनमें 111 सीट जीती थी। मुस्लिम सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा में बटे हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की AIAMIM इन वोटों पर दावेदारी करने वाला नया दल सामने आया है। ओवैसी सपा, बसपा व भाजपा के वोटों को सेंध लगाएंगे और अपना खाता उत्तर प्रदेश में खोल सकते हैं। दो दशक में कांग्रेस कभी भी 30 से अधिक सीट नहीं जीत सकी है। दूसरी तरफ इस बार बसपा का प्रदर्शन अच्छा होगा। 2017 में सिर्फ बसपा को 19 सीट मिली थी, अब 200 सीट लेकर 2007 का इतिहास दोहरा सकती है बहन मायावती। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। हम देते रहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की अपडेट, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें पाने के लिए www.whnews.in पर भेंट दे। हाँ, हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।